बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ओके जी, देन हमारे पास है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, परपेंडिकुलर भी आ गया इधर इस तरफ एंड एस आर के पैरेलल भी आ गया, ओके। देन एंगल एस क्यू आर इज इक्वल 28 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा एस क्यू आर 28 डिग्री है एंड एंगल QRT हमारे पास 65 डिग्री है, ओके जी। देन वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, इस एंगल की वैल्यूज निकाल के दिखानी है X एंड Y की। चलो कर लेते हैं, देखो कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। इसका सॉल्यूशन है कि पहले ये बताओ कि अगर भाई PQ पैरेलल है SR के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देन ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा, क्यों होगा देखो बताता हूँ मैं। अगर ये है तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, भाई किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। देखो ना ये और ये ऐसे बनाएगी तो ये होंगे नहीं होंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, X हो गया, कोई बात नहीं। देन देखो हमारे पास एंगल क्यू आर टी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू एस आर प्लस में एंगल एस क्यू आर, ओके क्यों होगा बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यही होती है, तो इसकी वजह से ये एक्सटीरियर एंगल है। और ट्रायंगल देखो क्यू एस आर, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इन ट्रायंगल क्यू एस आर में देख रहे हैं हम, ओके तो ये हमारा होगा ना, बिल्कुल होगा, आ जाइए। अब देखो इसके अंदर क्यू आर टी हमारे पास क्या है बच्चों, 65 डिग्री, क्यू एस आर, क्यू एस आर क्या है बच्चों, एक्स, एंड ये क्या है हमारे पास 28 डिग्री, तो हमारे पास देखो इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आएगी ये 30, 35, 36, 37 डिग्री, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 37 डिग्री, ये 37 डिग्री आई है तो भाई ये भी 37 डिग्री होगा ना, ओके। अब चलो हम चलते हैं, मूव करते हैं इन ट्रायंगल PQS, PQS में इसमें जाएंगे तो देखो PQS में एंगल P प्लस में एंगल ये वाला x प्लस में एंगल y क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री, भाई क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो अब देखो एंगल P क्या है बच्चों, 90 डिग्री हमें बताया हुआ है, एंगल x क्या है बच्चों 37 डिग्री, एंगल y हम निकाल लेंगे अब, यही चीज होगी, चलिए तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 127 डिग्री प्लस में y एंड 180 डिग्री, 127 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 180 माइनस में 127 विच इज इक्वल टू 53 डिग्री, ओके तो y की वैल्यू 53 डिग्री आ गई, ठीक है जी। चलो ये और यही हमें निकालने थे, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एंड हो सके तो वीडियो एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।